एहतशाम सैयद साहब, सलाम साहिल भाई। अरे वालेकुम असलाम। यार, बहुत देर से ट्राई कर रहा था मैं, ठीक है, आ गए ना अभी? अभी आ गए। जी जी भाई, मोमिन है आप? मोमिन, ऐसा समझ लो दोजख की आग का ईंधन है। हेलो, कब हुआ ये हादसा? ये इसको बात हो गए 4-5 साल हो गए, चार 4-5 साल साल हो गए। चार हाँ 4 साल हो गए तकरीबन। ओके, क्या मामला था? बहुत दिनों से मतलब सोच रही थी, इंसान की सोच विचार चालू ही जी। था, कुछ चीजें देखकर सोच चालू ही थी। बाद में थोड़ी छानबीन किए, इत्तेफाक से एक मतलब तारीख इस्लाम करके किताब थी, ओके, वो पढ़ने में आ गई मेरे। आप पहले भी जुड़े थे क्या? जी पहले भी जुड़े थे क्या? अच्छा, नहीं, फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम। ठीक है। तारीख ए तो इस्लाम ये किसकी किताब है? ये पाकिस्तान के है कोई अमजद अली, कुछ अमजद करते हैं। हालांकि कुछ खास बात नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, शुगर कोटेड है वो। लेकिन कुछ चीज़ें मेरे को उसमें बहुत सारी नहीं ऐसी लगी, वो वजह से मेरा थोड़ा ओके okay. माइंड चेंज होते गया। लेकिन कितना फॉलो करते थे, कितना सीरियस थे इस्लाम को लेके? हाँ, शिद्दत थी, नमाज वगैरह पढ़ते थे, लेकिन एकदम इतना भी नहीं थे। लेकिन दिल में जैसा रहता नहीं क्या? हाँ, हाँ, दिल से था। अच्छा, दिल से मानते थे, रोजे वजे रखते थे। हाँ, अच्छा, कोई सूरह सुना सकते हैं आप? अलम तरह सुनाए थे, सुनाइए। अलम तरह कह सवाल रबों का बेहसाबिल थी, अलम यजल कह कहूँ की तजलील और सलाह लय तेरा नवाबिल तर महीम बेजा बेहजार किन मिल सिख दिली सजा लहूँ का माफ। ओके, वितर की कितनी रकात होती है? 3 रकात। अच्छा, ठीक है, तो बताइए क्या हुआ? पहले कितना फॉलो करते थे, फिर क्या क्या प्रोसेस रहा, क्यों बाहर आ गए आप? बहुत सारी चीजें जो है ना, मुझे वो पहले तो लोगों का जो देखकर, जैसे हाँ, इस्लाम की अपनी जितनी जानकारी मिलती, सच बोलना, अच्छे काम करना, नेकी करना, और दूसरी चीजें मैं ये देखता था जो कंटिन्यू 5 वक्त की नमाज पढ़ते, वो यानी खाली नमाज ही पढ़ते हैं, बाकी सब मतलब अपने इस्लाम में ऐसा है कि नमाज पढ़ो, नमाज की ज़्यादा पाबंदी है, बाकी आमाल का ज़्यादा वो नहीं है। तो वो चीज़ें देख देख कर, सोच सोच कर, और दूसरी बात अल्लाह का ऐसा है कि भाई मेरी इबादत करो, हाँ, बाकी तुमको सारी चीज़ें माफ़ है, सिर्फ शिर्क माफ़ नहीं है, मेरे अलावा किसी की वो माफ़ नहीं है, और नमाज भी ऐसा माफ़ नहीं है तुमको। तो ये भी एक सोच आई कि ऐसा क्यों, यानी इंसान अगर अच्छे काम करे, नेकी के काम करे, तो वो भी मतलब अल्लाह की नज़र में मायने रखना चाहिए ना, सही बात है। खाली इबादत ही तो अल्लाह की नज़र में खाली इबादत ही इम्पोर्टेंट है। हाँ, वो तो मतलब क्यों भूखा क्यों है अल्लाह लोगों हाँ के वही लिए? तो, वो जो सोच है, वो जो हाँ, सही बात है। भी है, तो वो कुछ वो यानी समझ में नहीं आती। वो हाँ, ओके। जैसा आपने बोले कहा क्यों भूख है कि भाई मेरी इबादत करो, यानी एक इंसान दूसरे इंसान से अच्छा पेश आए, अच्छे से रहे, उसका व्यवहार अच्छा रहे, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ज्यादा ज्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज है, मतलब तुमको सारी चीजों मतलब तुम सारे गुना माफ हो जाएंगे तुम्हारे, एक तो नमाज और शिर्क माफ नहीं होगा, अरे रेप तक माफ हो जाएगा, मर्डर तक माफ हो जाएंगे, लेकिन ये चीज माफ नहीं होगी। ये जो आइडियोलॉजी है ये भी समझ में नहीं आती। जी, बाद में फिर मैंने तारीख तब भी पढ़ा,
उसकी भी बहुत सारी चीजें जो है क्लियर हुई, तो ऐसा समझ के अभी सिर्फ नाम ही रह गया था। और मैंने तो अपनी तारीख तब नहीं स्क्रीन पढ़ा, तारीख तबरी का भी मुताला किया बोलो। आपने? हाँ पढ़ा हूँ, नहीं नहीं एकदम फाइनल इस पे नहीं गया, मतलब तारीख तबरी पढ़ा, इब्ने इसहाक पढ़ा, इब्ने इसहाक तो वो 200 पेज के आगे पढ़ा, पीडीएफ मिल गया था तो 200 पेज के आगे बढ़ा ही नहीं, इब्ने इसहाक के पास अच्छा किताब है ना हाँ वो शायद 450 पेजेस की है इब्ने इसहाक। जी, तो ये तो फाइनली आपने बस मतलब फाइनली क्या ऐसा मेजर कुछ चार पॉइंट्स, चार पांच पॉइंट्स बताए जो आपको गलत लगी कि आपने ये डिसीजन ले लिया कि भाई नहीं अब और नहीं? फर्स्ट तो बताई दी आपको मैंने कि मैं पहले से ही वो गौर फिक्र कर रहा था ये चीजों पे, और जैसा लोगों पे, तो मैं ऐसा दीन है क्या, ऐसा दीन है क्या, यानी कोई कुछ भी करे बस नमाज पढ़ता, जैसा वो कुछ अलग चीज लगती मुझे कि कुछ भी करो अल्लाह के सामने, इंसान गुनहगार इंसान कैसा अल्लाह के सामने झुक सकता या अल्लाह के सामने हो सकता, सामने आ सकता, आप समझ रहे बात को मेरे। जी जी अगर जी कोई समझ रहा अल्लाह हूँ। को जानता है या अल्लाह को मानता है हाँ, तो एक तो गुनाह नहीं कर सकता क्योंकि वो अल्लाह से डरता है। जो भी अल्लाह है, जो अल्लाह की इबादत करता है, अल्लाह को खुश करने के लिए इबादत की जाती है ना, तो वो गलत काम, बुरे काम, झूठ सच फरेब धोखा मक्कारी खून मर्डर रेप ये नहीं कर सकता हूँ हाँ धोखा। लेकिन माहौल मतलब वो लोग वो चीजें भी करते और नमाज भी पढ़ते, तो ये नमाज का कोई कैसे, असर ही नहीं होता है लोगों पे। तो ये मैं ये सोचता था कि ये कैसी नमाज है, तो उनको वो मतलब वो सुधार नहीं रही या उनके अंदर चेंज नहीं ला रही, वो तो नमाज पढ़ रहा है और बाकी सारे काम कर रहा है, तो ये पढ़ा कि वो अल्लाह के पास मतलब नमाज की वो नहीं है, माफी नहीं है, बाकी सारी चीजों की माफी है, तो ये चीज समझ में आई मेरे। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जी, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, और बहुत वैलिड पॉइंट है आपका। और मेरे ख्याल से ये हर एक मोमिन जो अभी इस्लाम में है उन सबको इस बातों पे, इन बातों पे गौर करना चाहिए। और भी बहुत सारी बातें हैं, अभी टाइम भी बहुत हो गया साहब। हाँ जी, तो अभी मुकम्मल तौर पे आप 4 साल पहले ही निकल गए? दिल से तो निकल ही गया, अब अच्छा, मत बस एक्टिंग कर रहे हैं, मुनाफिक बन के जी रहे हैं। सब क्या कुछ नहीं कर सकते क्या वजह है आप कि जैसा, आपको अभी भी मुनाफिकत इख्तियार करनी पड़ रही है? आप जैसा नहीं कर सकते बस, क्योंकि बीवी है, बच्चे हैं, फैमिली है, घर है, रिश्तेदार है, तो ऐसे उनको रहा है पता है, बीवी बच्चों को एटलीस्ट पता है या किसी को नहीं पता है? नहीं किसी को नहीं। किसी को नहीं पता है। बाप रे, ये बोझ आप अपने रहे है। सिर्फ एक फ्रेंड है, दोस्त है, उसको पता तो मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है वो? है, लेकिन वो भी समझो मैंने उसको सुना सुना कि वैसा तो वो पहले से कुछ चीजों को गलत मतलब गलत बोलता था, जैसे कि कुर्बानी हो गई हाँ, ये चीजों को वो गलत बोलता था, कि उसका ये कहना था कि मैं ये कैसा अल्लाह है जो किसी की जान लेके खुश होता है, उसकी मखलूक है, तो वो खुश अगर वो खुश नहीं हो सकता तो ये गलत है, बोलता ये बोल हाँ सकता कुर्बानी के यानी एक जानवर की, तो वो भी पहले से मतलब थोड़ा कम ज्यादा ऐसा था, लेकिन वो मैंने उसको सुना सुना बहुत तो सारी चीजें सुनाया उसको मैंने इसकी, वो भी समझो मेरे ऐसी हो गया था। लेकिन आप लोग देखिए, जितने लोग सुन रहे हैं मैं उनको म्यूट करता हूं क्योंकि एको हो रही है इनकी आवाज। आप लोग देखिए कि ये क्या मुसीबत है कि एक इंसान सुकून से इस्लाम छोड़ भी नहीं सकता। अरे, मानने ना मानने से अल्लाह को फर्क नहीं पड़ता, एक तो आप ये भी दावा करते हो। उसके बाद फिर आप अगर कोई छोड़ दे तो उसको सुकून से जीने भी नहीं देते, उसका जीना हराम कर देते हो आप लोग।
ये कैसा मजहब है भाई, ये कैसा रिलीजन है, ये कैसा खुदा है आपका? थोड़ा सोचो इन बातों पे कि क्या मुसीबत है यार। अरे इनको नहीं मानना है तो जीने दो ना खुल के। डर देखिए आप लोग, डर देखिए। ये जितने लोग आते हैं, हर किसी के दिलों में या जहन में एक ही डर होता है कि हम बता देंगे तो हमारा नुकसान है। ये किस तरीके की इनकी सोच है? एहतसाम भाई, बुरा नहीं लगता आपको कि यार ये मुझे नहीं मानना है लेकिन उसके बावजूद भी मुझे मजबूरी में रहना पड़ रहा है इसमें? असल में मैं इतना लोड लेते ही नहीं, क्योंकि एहतसाम भाई, जी हाँ फाइनल आवाज, गाइस मेरी आवाज आ रही है और एहतसाम भाई की आवाज किसी को आ रही है क्या? आपको आ नहीं रही क्या आवाज? अभी आई, अभी आई जी। मैंने एक सवाल किया था आपसे। अभी शुरू में तो जब मैंने जहन वो चेंज हो गया था तो कंटिन्यू 3 3 साल तो मैंने नमाज ही नहीं पढ़ा। यार के लोग जो फैमिली मेंबर तो उन्होंने मतलब वो किए क्यों ऐसा। फिर मैंने बाई चांस उनको बताने के लिए, देखिए बाई चांस का रह गया अभी अच्छा, मेरा बताने। मेरा सवाल आपसे ये है एहतेशाम भाई, कि जब आप निकल गए तो बच्चों को आपने थोड़ा उनका जहन चेंज करने की कोशिश क्यों नहीं की? बच्चे छोटे हैं अभी, बाकी मैं घर में तो मिसेस से इसी तरह की बातें करता तो धीरे धीरे मैं उसका भी चेंज हो ही जाएगा एकदम अच्छा, खुल आपकी के वाइफ का भी नहीं। चेंज हो रहा है जहन? हाँ हाँ बहुत सारी बातें वो बताते रहता है तो हाँ, बहुत सारा चेंज हो रहा है। ओके। और और बच्चों बच्चों का? का बच्चे छोटे हैं अभी, वैसा भी बेटा जो है मेरा वो छोटा है हालांकि, लेकिन साइंस वीडियो देखता हूँ, जमीन प्लेटो अर्थ प्लेटो सन ये चीजें देखते रहता हूँ। तो वो देखते रहना हो तो वो उसका माइंड एक्सेप्ट ही नहीं करेगा ये चीज तो बहुत। चलिए, एक अच्छा है कि मैं थोड़ा म्यूट कर देता हूँ आपको, नहीं तो एको होती है मेरी आवाज़। ये अच्छा है कि इनकी हेलो। वाइफ जो है। हाँ भाई, हाँ धीरे धीरे वाइफ का भी माइंड मतलब वो हो रहा है, आपकी जो चीज़ें बताते रहता हूँ बहुत सारी हाँ चीज़ें जो मतलब लेडीज़ के उसमें हैं, जैसे ये अपना जायज़ है ये नाजायज़ है ये जायज़ है ये चीज़ें बताते रहते हैं, तो वो भी वो चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करती, यानी गलत बोलती है। बोलती है ना हाँ गलत, बताइए चीज़ें हैं जी। गलत बोलती है ना, जो गलत चीजें आपकी हाँ वाइफ हाँ बोलती हाँ है। गलत बोलती है। चलो, ये फिर अच्छा हो गया। और थोड़ा कोशिश करते रहिए और किसी तरीके से आप अपनी तो वाइफ। मेरा ये चीज चालू है, कम से कम माशरे से तो नहीं हट नहीं अलग होंगे लेकिन माइंड से तो और ये से तो निकल ही जाएंगे, निकल हाँ ही जाएंगे नहीं, मैं तो कहता हूं कि बच्चे। अगर समझिए कि आपकी वाइफ उतनी समझदार है और हाँ वो भी निकल जाती है आपकी तरह, सोच हो जाती है, तो जाहिर सी बात है आपके बच्चे छोटे हैं तो बड़े होते होते हाँ वो भी आपकी सोच पे आ ही जाएंगे। तो ये हाँ वो तो आपके आ लिए ही तो एक जाएंगे। बेहतरीन, हाँ बेहतरीन चीज हो जाएगी, क्योंकि जो आपका लाइफ पार्टनर है उसके साथ हाँ आपकी सोच मिलना बहुत जरूरी है, और खास करके इस्लाम को लेकर। लेकिन अभी बहुत काफी वक्त लगेगा क्योंकि मैं वो बातें बता रहा हूँ तो वो उस चेंज होने को बहुत काफी टाइम लगेगा, तो हो जाएंगी वो चेंज। अब बच्चे तो बच्चे भी हो जाएंगे, यानी बहुत उनको वो जबरदस्त, बहुत दिमाग में डालना जबरदस्त ही मुझे। मैं बहुत सारी जी भाई, चीजों को वो नहीं करता, जैसे किस्मत हो गया तकदीर हो गई, मैं पहले चीज कोई भी चीज। दूसरी बात ये है कि जैसे भाई कोई भी चीज का मुकर्रर है, मौत का टाइम लिखा हुआ है, दिन लिखा हुआ है, वक्त लिखा हुआ है, जगह लिखी हुई है। मैं तो ये कहता हूँ कि हर चीज फानी है, जो पैदा हुई वो खत्म होनी है, चाहे वो इंसान हो जानवर हो या फिर इंसान की बनाई हुई चीज हो, और उन चीजों का भी वो टाइम वो वक्त वो जो इंसान के लिए बोला जाता वो एक वक्त रहता है एक प्रोसेस होता, वो प्रोसेस के तहत वो खत्म होती। जानवर भी मरते हैं, कहाँ पैदा होते कहाँ जाके मरते हैं, ऐसा भी है।
तो उनकी कोई तकदीर है, उनकी कोई किस्मत है। तो ये चीजें जो बनाई हुई है, तो इस चीजों के भी खिलाफ हूं मैं। जी चलिए, बहुत आप अच्छा लग समझ रहा रहे है। हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं हाँ जी। हाँ मैं समझ गया आपकी बात। नहीं, मैं बोला बहुत खुशी हुई काफी। जैसे मिट्टी का बर्तन बनाया गया, हाँ, जी और जैसे मिट्टी का एक पॉट है, उसे बनाया गया किसी इंसान ने, लेकिन वो खत्म होगा, उसका एक वक्त है, वो प्रोसेस के तहत वो कहाँ जाके खत्म होता। कोई हो सकता, कोई फॉरेनर आके उसको ले जाए पॉट को, वो पॉट वहां रखे रहे, फिर कई दिनों के बाद वो गिर जाए, वो टूट जाएगा, उसका एक वक्त रहेगा, उसका टाइम रहेगा, खत्म हो जाएगा। तो ऐसी हर चीज का है, सिर्फ इंसान का ही थोड़ी है। और अपने को पाठ पढ़ाया जाता है कि इंसान की तकदीर है, लिखी भी है, किस्मत है। बिल्कुल बिल्कुल सही आप बात है समझ रहे आपकी। नहीं बात में, कोई भी चीज, कोई भी चीज, तो बहुत सारी बातें हैं। अच्छा, एक सवाल आपसे ये है एहतेशाम भाई, हमारे चैनल के बारे में या इस मूवमेंट के बारे में कैसे पता चला आपको? साहिल भाई, मैं आपका चैनल तकरीबन 1.5 2 साल से देखा। अरे वाह, आज आज यानी हिम्मत क्या पा रहे हैं। ये जो सर्दी है, ये सर्दी जो आएंगी ना, ये विंटर, तो हाँ शायद 2 साल होंगे। जी, हाँ, तो आपने शुरू कब किए थे ये? हो गया 2 साल हो गया है। आपने एक इंटरव्यू देखा था हाँ दीक्षित जी के, उसमें, हाँ हेलो जी, आवाज आ रही है आपकी, संजय दीक्षित जी के वहां पे हेलो, देखा होगा। हाँ, तो वो उसमें आपका इंटरव्यू देखा था मैंने हाँ फर्स्ट टाइम, फिर बाद ओके में आपकी स्ट्रीम शुरू हुई शायद, उसके बाद से मैंने आपको सुनना शुरू किया। मैं कंटिन्यू सुनते रहा, लेकिन कभी ज्वाइन होने की कोशिश नहीं की। अच्छा, आज फाइनली ज्वाइन किया आपने। आज किया, आज भी बहुत देर से ट्राई कर, आज असल में आज घर पे कोई नहीं है, फैमिली नहीं है, अच्छा, तो मौके पे चौका मार मैं लिया बात आपने, नहीं कर सकता असल में जी। मौके पे चौका मार लिया आपने आज। हाँ, तो बात नहीं कर सकता था मैं, वैसा मुझे टाइम मिलता भी नहीं, ड्यूटी का टाइम भी बहुत ज्यादा है। अब आओ तो सब बच्चे रहते, मिसेस रहती, तो बात नहीं कर सकता, बाहर भी नहीं कर जी सकता। जी तो अभी फैमिली नहीं थी, 2 दिन से मैं ट्राई कर रहा था, आज हो ही गया। चलिए, बहुत अच्छा लगा एहतेशाम भाई, आप जुड़े और आपने अपने दिल की बात सामने रखी सारे लोगों के सामने। आई होप के जो मोमिन हजरात इस कल्ट में फंसे हुए हैं, आपकी बातें सुन के कुछ ना कुछ थोड़ा तो जहन चलाएंगे, और हो सकता है कि आप जैसे कई सारे लोग निकलेंगे इस कल्ट से। साहिल, बहुत लोग हैं, लेकिन क्या है, कोई सामने नहीं आता है। हाय, हाँ, डर है वो। बहुत बहुत लोग हैं, लेकिन जो बोल नहीं सकते मेरे जैसे। और बिल्कुल मैं तो ये कहता कि इन्होंने दीन की स्टडी करना, हर किसी ने दीन की स्टडी करना, दीन की स्टडी करेंगे तो उनको सारी चीजें समझ में आएंगी। तारीख़े तबरी जो किताब है, जी हर किसी ने पढ़ने को आना, हाँ, वो पूरा काला चिट्ठा पूरा है उसमें। पूरा डिटेल है उसमें, मतलब पूरा डिटेल ही है उसमें, सिर्फ वो चश्मा उतार के पढ़ना पड़ता हो, सही बोले आपने, समझ रहे ना, क्लियर बिल्कुल बिल्कुल सही, एकदम सही समझ में आता हो। बात जी, बिल्कुल। यार, ये हमारे एहतेशाम भाई के लिए एक गुलाब का नजराना तो बनता ही है, काफी मेच्योर है हमारे एहतेशाम भाई, और 1.5-2 साल से देख रहे हैं। आपको खुशी हुई थी जब आपने इस तरीके का चैनल जब देखा जी हाँ, जी हाँ, कि भाई मेरे ऐसे और भी लोग हैं? हाँ, तो बहुत ज्यादा खुशी हुई थी। और चलिए, फिर आपके चैनल देखते देखते मालूम पड़ा कि और भी कई, और भी बहुत सारे लोग हैं। हाँ आपसे, आपका चैनल देख देख कर लोगों ने बहुत चेंज आया, बहुत लोगों ने चेंज आया, जी और शुक्रिया बिल्कुल। आपका। क्या मैसेज आप देंगे मोमिनों को शॉर्ट में, उसके बाद मेरा फिर एक ही मैसेज हम? है, जी मेरा एक ही मैसेज है, असल में अपने जो मुसलमान हैं, मोमिन लोग हैं, तो वो दीन को जो फॉलो करते ना, तो जो ये मौलवी मुफ्ती जो बयान करते,
बस उनको सुनकर फॉलो करते। तो हाँ मेरा ये कहना है कि हर इंसान ने खुद स्टडी करना चाहिए, खुद पढ़ना अकीदत की चाहिए, पट्टी खुद उतार मालूम के, करना चाहिए। जी अकीदत की पट्टी उतार के स्टडी करना चाहिए। हाँ, स्टडी करना चाहिए। नहीं भी अकीदत की पट्टी उतार के करे तो कुछ तो लगता इंसान को पढ़े बाद कि ये कैसा हो, ये कैसा सही हो बात। सकता, क्योंकि कुछ भी नहीं मालूम लोगों को। सही बोले। बस भाई एक भाई कुछ बेवकूफी भी नहीं की मालूम। जिंदगी, बेवकूफों की जिंदगी गुजार रहे हैं हमारे मोमिन भाई। बहुत अफसोस होता है, दुख होता है इनको देख के कि कई किस जंजाल में और किस बेवकूफी में पड़े हुए हैं। सोचते क्यों नहीं, अपना दिमाग लगाते क्यों नहीं। अच्छा सोचते नहीं, लेकिन खुद कुछ तो मालूम करना, कुछ तो स्टडी करना। कुछ भी नहीं मालूम, हाँ सही कुछ बोले, भी नहीं, बस दिमाग ही नहीं लगाना फॉलो है, करते। जी दिमाग ही नहीं लगाना है। नहीं, बस यही मैसेज है मेरा तो, कि खुद बहुत स्टडी शुक्रिया करो, एहतिसाम भाई, बहुत बहुत पढ़ो, शुक्रिया मालूम शुक्रिया, करो। बहुत बहुत शुक्रिया एहतिसाम भाई। बल्कि मैं तो कहूंगा कि एहतिसाम भाई जैसे जितने भी लोग हमको देखते हैं, कोशिश करिए कि आप लाइव स्ट्रीम में जुड़ के अपनी स्टोरीज बताएं। जो मोमिन हजरात है जिन्होंने छोड़ दिया वो भी, और जो मोमिना थी जिन्होंने छोड़ दिया वो भी, क्योंकि हर एक की स्टोरी, हर एक की समझ अलग अलग होती है जिसकी बुनियाद पे वो छोड़ देते हैं इस्लाम। तो आप लोगों की जो भी स्टोरी रहेगी, हो सकता है कि वो किसी के लिए इंस्पिरेशन बन जाए। तो आप लोग डरे नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप अपना नाम बदल के आ सकते हैं, सुडो नेम रख के आ सकते हैं। तो आप आइए, अपनी कहानी बताइए। आपकी कहानी हो सकता है बहुत से लोगों के लिए एक मिसाल बन जाए और वो इस्लाम से छोड़ दे। क्योंकि देखिए, जितने लोग इस्लाम छोड़ते हैं वो तो चाहते ही है, और उनको पता होता है कि यार हमने अपनी जिंदगी का काफी हिस्सा इसमें बर्बाद कर दिया। एक पछतावा भी होता है, फिर एक खुशी भी होती है कि चलो कम से कम निकल तो गए। तो ये चीजें जरूरी है। तो मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी लोग इस्लाम छोड़ते हैं वो जरूर आके कभी ना कभी कोई ना कोई स्ट्रीम में जुड़े और स्टोरी अपनी जरूर शेयर करे, ताकि मोमिन हजरात को भी पता चले कि भाई बहुत से लोग छोड़ रहे हैं।